द्वितीय दिन में महानदी प्रसंग में मुख्यमंत्री बड़ सूचना छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री अनौपचारिक आलोचना दिथर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सहित सौजन्यमूलक साक्षात हेला पर आलोचना कर सारी ट्रिब्युनाल आल में महानदी को सुखिला छाड़ी चुप बसी बीजेडी सरकार एवं कोर्ट बाहर आपोष समाधान प्रयास बीजेपी सरकार पूर्व सरकार आलोचना माध्यम समाधान को करथिले प्रत्याख्यान मुख्यमंत्री मोहन माझी प्रयास करिब कि महानदी विवाद समाधान टुटब कि महानदी जल बिवाद छत्तीसगढ़ ओडिशा महानदी जल बिवाद समाधान लगी फिटब कि बाट जहां दीर्घ वर्ष धरी करिपारे नवीन ता कर देखाइबे कि मोहन बलांगीर गस्त बेले महानदी जल बिवाद समाधान पर सकारात्मक संकेत देखते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महानदी प्रसंगे मु दुई थर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ए बाबद आलोचना करी आगामी दिन में महानदी उपरे विभिन्न प्रकल्प गुड़ी किपरी त्वरान्वित गुरुत्व दिजाऊ मुख्यमंत्री सूचना अनेपटे मुख्यमंत्री पदक्षेप को स्वागत करी महानदी बचाओ आंदोलन केन्द्र छत्तीसगढ़ और ओडिशार ट्रिपल इंजिन सरकार अच्छी तेणु आपोष बुझाणा माध्यम जल बिवाद समाधान हो पार्टी महानदी बचाओ आंदोलन आलोचना जारी रही निजे दी थर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सहित सौजन्यमूलक साक्षात हेला पर आलोचना कर सारी एणु आगामी दिन में महानदी उपरे किभली भाव जो प्रोजेक्ट गुड़िक जहाँ प्रपोजाल सबू आगुला किभली भाव में आगामी दिन में त्वरान्वित होचाराधीन अच्छी ताकि बहुत गुरुत्व दि जा महानदी को बचेवापड़शावासी स्वार्थ को सुरक्षा देवाई मुशा करी मुख्यमंत्री जो आलोचना प्रोसेस प्रथम पदक्षेप नवा दरकार जे खरा दिने अण मौसुमी समय केमती महानदी पा आस पीड़ाकूद को पा आस तत्पर हवा उचित महानदी प्रसंग में मुख्यमंत्री बयान पर तेजी राजनीति निज दोष मानवा बदल गादी गला भी केन्द्र अवहेला नारा छाड़ी बीजेडी केन्द्र सहयोग न मिलवशा वंचित है और छत्तीसगढ़ अन्याय कला बोली मुख्य विरोधी दल आपटे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कौन आलोचना है ना मुख्यमंत्री लोक को जनातु बोली दावी करेस केन्द्र सहयोग मिलला ना आम ओडा तार न्याय वंचित है जदि मुख्यमंत्री कहते कथा होती आम स्वागत करूँ कौन कथाई से कथा मत सार्वजनीन हवार आवश्यकता अच्छी जदि ट्रिपल इंजन सरकार जदि ओडिशार महानदी इश्यू जी समाधान हो पार ना तो सरकार विफलता लोक प्रमाणित हम से माननीय मुख्यमंत्री कौन आलोचना होती कौन कथबार्ता होती लोकलोचन को आने दरकार पूर्व महानदी को माँ कही ठकी बीजेडी सरकार राजनैतिक फायदा महानदी को प्रसंग कर छत्तीसगढ़ सहित आपोष आलोचना राजी हो नाला 2016 से केन्द्र जल संपद मंत्री छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री और ओडिशा मुख्यमंत्री को नहीं बैठक डकई बैठक अधारे उठी चली जाते नवीन पट्टनायक खाली से नुहे संसद में केन्द्र मंत्री नितिन गडकरी ओडिशा को आपोष आलोचना परामर्श देते और मेरे पास अगर मीटिंग में सोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर प्रधानमंत्री के पास जाइए ग्रहण नक ट्रिब्युनाल जिद धरी बीजेडी नवीन सरकार को जिद जो 2018 मार्च में गठन होता महानदी ट्रिब्युनाल 6 वर्ष पर भी फलशून ट्रिब्युनाल अवधि 2026 को वृद्धि पाई इस समय मध्य भी समाधान आशा क्षीण खाली से नुहे 2018 में महानदी में 7 ब्यारेज निर्माण पर बीजेडी सरकार घोषणा कर 6 वर्ष पर गोटे भी ब्यारेज निर्माण हो पारानी तल मुंड हिसाब जे टोटल महानदी बेसिन को हिसाब को नि केवल महानदी पाटा को हिसाब ना बेसिन विभिन्न नदी अच्छी जो महानदी को जी केटर कर जो नदी गुड़ाक से नदी को एलिभेट कर बड़ प्रसंग आसी छत्तीसगढ़ से बेसिन अटैक करेक्टर अच्छी डेल्टा स्टेज 1 स्टेज 2
ତା ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଲୋକେସନ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟା ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛୁ, ଏବେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ ସାତଟା ଆମେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସାଇଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ତାର ଆମେ ସର୍ଭେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବହୁତ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବହୁତ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବେଲପଡ଼ାରେ ଅପର କୋଲାବ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି, ପାଟନାଗଡ଼ରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତୁଷରା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କାଲି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳପଥ ଶୀଘ୍ର ସରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶେଷ କରିକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା କଥା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଠି ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ଏ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଏବଂ ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ଅନେକ ଯୋଜନାକୁ ହାତକୁ ଆମ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନାହିଁ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏଠି ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଅଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।